हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, जब हमें बेसिक कंसेप्ट समझ आने लगते हैं और जब हमें धीरे धीरे मैथ्स बनाने में बड़ा मज़ा आने लगता है तो हमारी बात ही कुछ और होती है। और जब हम अपने बेसिक कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ चुके होते हैं तो हमें मैथ्स बनाने में एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलीनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। और मैं तो चलिए देर किए बगैर शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया है क्या, जो एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पर दी गई है उनमें से कौन से जो है, कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन से एक्सप्रेशंस है जो पॉलिनोमियल है वो भी वन वेरिएबल के, और कौन से नहीं है। इसके बाद हम देख रहे हैं स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, दैट मीन्स आपको अपने सवालों के जो जवाब हैं उनके पर्टिकुलर रीजंस भी देने होंगे कि इनका जवाब आपने ऐसा क्यों लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहला सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में पहला 4x² - 3x + 7, और हमें पूछा गया है कि ये क्या वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, हमने पॉलिनोमियल का कंसेप्ट पढ़ा था, क्या क्या कंडीशंस थी पॉलिनोमियल की। पहली कंडीशन ही होती है क्या कि वो टू और मोर टर्म से बना हुआ हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन पे ये टू और मोर टर्म से तो बिल्कुल बना हुआ है। दूसरी कंडीशन होती है क्या, वो पॉलिनोमियल अगर वन वेरिएबल को तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। हमने वेरिएबल का कंसेप्ट पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था, मैंने ऊपर लिंक दे दी गई है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल हमारा यहाँ पे कितना है, एक्स, और सिर्फ x, दैट मीन्स ये वन वेरिएबल का भी है। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल भी है, दूसरा ये वन वेरिएबल का ही है। तो हम जब हम इसे कॉपी पे या नोटबुक पे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। समझ आया, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी है। अब एक बात हम थोड़ा सा और समझते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है हमने यहाँ पे देखा क्या, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। तो ये जो पॉलिनोमियल है 3 टर्म से मिलके बना हुआ है। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे वेरिएबल है x, तो ये x है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो हम जानते हैं डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है एक्सपोनेंट का, ये x है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को भी वैसे ही समझ सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है y² + √2। अब हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये पॉलिनोमियल में जो हमारे पास वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ वाई है और इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वन वेरिएबल तो है। दूसरी बात, क्या ये पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, तो हाँ ये तो पॉलिनोमियल है। मतलब हम आंसर पे आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं यस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तीसरा क्वेश्चन कहता है 3√t + √2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हमारे एक्सपोनेंट पे जो वेरिएबल है वो किसका है, टी का है। ठीक है, ये टी है, और टी कैसा है, रूट टी है। रूट टू हम एक्सपोनेंट के से समझते हैं क्या, कि अगर हमारा रूट कोई भी हो, एक्स हो, तो ये क्या होता है, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 पे।
और 1/2 जो होता है वो एक होल नंबर नहीं होता है, ये एक होल नंबर नहीं है। और हम अच्छे से जानते हैं पॉलिनोमियल की कंडीशंस होती है, अगर पॉलिनोमियल है तो उसका जो एक्सपोनेंट है उस वो 100% क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो वेरीफाई हो पाएगा, तभी वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो टर्म है 3√3, ये जो टर्म है वो किसी भी तरह से क्या हो रहा है, होल नंबर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे कतई ही वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं y+(2/y). अब हम यहां पे भी देख रहे हैं कि यहां पे जो टर्म है, अगेन सेम वही कंडीशन, यहां पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या कह रहा है हमें, अगर कोई भी नंबर है वो हम जानते हैं क्या, अगर इस तरह से है तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, y^-1। ठीक है, और ये जो -1 है हमने हम अपनी पहली क्लास में देख चुके हैं, यहाँ पे जो इंटीजर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे कतई ही क्या नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते। ये वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन पे, x^(10)+(y^(3)+t। अब आप एक बार बताइए हम यहाँ पे सवाल क्या बना रहे हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक हो गया हमारे पास x, दूसरा हो गया y, तीसरा हो गया t। ये इसमें ये एक पॉलिनोमियल तो है, नो डाउट ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल आए हुए हैं। तो इसको हम लोग अपने जो रीजन है इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहाँ पे रीजन देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें हमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा। हम जानते हैं कोफिशियंट क्या होता है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, कोफिशियंट का मतलब क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है उसमें बेसिकली किसी भी वेरिएबल के साथ में जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसे ही हम कोफिशियंट कहते हैं। तो यहां पर हमें पूछा गया एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा कोफिशियंट लगा हुआ है, तो सीधी सीधी सवाल है आपके पास, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2+(x²+x), और हमें बताना है कि ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर इसके साथ में कौन सा कोफिशियंट जुड़ा हुआ है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अगर कोई भी कोफिशियंट यहाँ पे कोई भी नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो वहां पर क्या होगा, वो वहां पर वन ही हो सकता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे मुझे वही नंबर वापस रिपीट होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करें तो मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सिंपल सा। चलो दूसरा क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिखा है 2-(x²+x³)। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ पे x^3 भी है, लेकिन हमसे सवाल पूछा गया है सिर्फ एक्स स्क्वायर के बारे में, तो हमें यहाँ पे इसकी डिग्री को ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म को चलना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ पे 1 था और वो भी पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे कैसा है, -1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, π/2(x²+x). इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वहां पर आपको एक वैल्यू दी गई है π/2 की, और यही जो π/2 है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, और यही हमसे सवाल भी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोफिशियंट है वो π/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है √2x-1। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या √2x-1,
हमें क्वेश्चन में पूछा गया एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो कोई कोफिशियंट ही नहीं है एक्स स्क्वायर का, और अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशियंट नहीं है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ रूट टू एक्स माइनस ऑफ वन, लेकिन यहां पर जो होगा वो कैसा होगा, जीरो कोफिशियंट, जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तभी इसकी वैल्यू पूरी जीरो होगी। तो इसी तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो, बिकॉज ये जो है जीरो यहां पे कोफिशियंट, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, चलिए हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने डिग्री का कंसेप्ट भी पढ़ा था जब हमने बेसिक क्लासेस पे, जो मैंने आपको प्रीवियस जो लिंक आपको दी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे डिग्री पे क्या जानते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल सा होता है, क्या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं क्या, हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा उसको जो हाईएस्ट पावर होगा हमें उसी पे एक एक्सप्रेशन लिखना है, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो बाइनोमियल हो। अभी बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था जब हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो टर्म्स होते हैं उसमें अगर कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स अवेलेबल हैं, दो टर्म्स इन द सेंस जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक टर्म है और यहाँ पे एक दूसरा टर्म है, यहाँ पर ये एक टर्म है, यहाँ पर ये दूसरा टर्म है, ऐसे अगर हम देख रहे हैं कि दो टर्म अवेलेबल हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल टर्म्स कहते हैं। तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें डिग्री जो होगी वो उसकी वैल्यू 35 होगी। तो हम आसानी से लिख सकते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 35, क्योंकि इसकी पावर मुझे 35 ही रखनी है, प्लस हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप एक्स की पावर 7 लिख दो या कोई कॉन्स्टेंट टर्म लिख दो, दो टर्म्स होने चाहिए तभी हमारा ये आंसर बाइनोमियल में आएगा। ठीक है, चलिए हम तीसरे अगले पे जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मोनोमियल डिग्री ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या मोनोमियल किसे कहा जाता है, मोनोमियल उसे कहा जाता है जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म अवेलेबल हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हमें एक ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म अवेलेबल हो, तो हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं क्या, हमें 100 की डिग्री लेके चलनी है, तो हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दिया एक्स की पावर 100, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म अवेलेबल है, इसलिए आसानी से बना सकते हैं हम लोग ये मोनोमियल एक्सप्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देख लिया है कि डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या कहता है ये, 5x³ प्लस ऑफ 4x² प्लस ऑफ 7x, राइट। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री क्या है, पहले तो हमें ये समझ आ गया कि ये जो हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है वो x वेरिएबल का एक्सप्रेशन, और इस x वेरिएबल पे हम देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 है, और यहाँ पे जो डिग्री दी गई है 1 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री हमारी इसी टर्म से निकल के आएगी, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह से हम इसे लिख भी सकते हैं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 4 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वहां पे वेरिएबल हमारे पास y है, और y में जो y के जो एक्सपोनेंट है उसका पावर कितना है, 2 है, ये हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2।
बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5t माइनस ऑफ रूट 7, ये हमारे यहाँ पे हम देखें दो टर्म्स है हमारे पास, एक में वेरिएबल है दूसरे में वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे रूट 7 जरूर दिया गया है लेकिन इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत तो इसके बारे में हमारे पास सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं हमें 5t का देखना है, इस 5t के में जो पावर है वो क्या है, 1 है, तो 5t के साथ पावर 1 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल इज 1। और हम चलिए अगला देखते हैं 3 एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म में किसी भी तरह का वेरिएबल नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएबल नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, एक्स की पावर 0 होगी, और x की पावर खुद हम जानते हैं क्या होता है, x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिग्रीज को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमें क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम एक बात यहाँ पे ये समझते हैं, ये लीनियर क्वाड्रेटिक और हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। आपको हमने पहले ही बताया जब हमने डिग्री पढ़ी हुई, तो डिग्री के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को और भी ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ पर डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर हमारे पास डिग्री 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर हमारे पास डिग्री 3 हो तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम यहाँ पे बता इक्वेशन को देखकर समझते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो किस कैटेगरी वाला पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, और 2 अगर किसी की डिग्री हो, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हो, तो वो 100% क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन गिवन है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री जो है वो 2 है। सिमिलरली हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ x माइनस ऑफ x की पावर 3, दैट मीन्स हम यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, और अगर डिग्री 3 है तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं y प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 4, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं, 3 टर्म्स जरूर दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर 0 है, दैट मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम कह सकते हैं डिग्री जो होगी वो 2 की रहेगी और हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 1 प्लस ऑफ x में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन है हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे तो x की पावर 0 है लेकिन यहाँ पे x की पावर 1 है, और हम जानते हैं अगर x की पावर 1 हो तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं और यहाँ पे डिग्री जो होगी हमारी 1 होगी। सिमिलरली हम देख रहे हैं यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3t पे हम देख रहे हैं t की जो पावर है वो 1 है, और 1 अगर पावर है तो यही इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, और अगर ये इसकी हाईएस्ट डिग्री है तो हम कह सकते हैं डिग्री इसकी 1 होगी और ये जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज यहाँ पर क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारी इससे प्रीवियस वाली वीडियो पे जाकर दे सकते हैं, इसके लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, आप वहाँ से देखिए, और अगर इसमें अभी भी इसमें से कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।